सिकंदर बख्त इस विद अस। सिकंदर, ऑल्दो बारिश पे तो सर्टनली आप कोई तजिया नहीं दे सकते, लेकिन जितना मैच हुआ है, जितना मैच हुआ है, वी विन यार। अभी तक तो मैंने कैलकुलेशन किए कल तक के, अभी आज सुबह तक की जो स्कोर कार्ड के हिसाब से, तो वी हैव लॉस्ट 117 ओवर्स। अगर 117 ओवर दिन में 90 ओवर होते हैं, उसमें से 117 ओवर ज़ाया हो जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। टाइम बहुत जो है उसकी में वैल्यू होती है। अब तो यही हो सकता है कि पाकिस्तान जो है, अगर जब भी बारी आए थोड़ा सा रन्स करके 300 उनको आउट कर दे, 100 में दो दफ़ा या एक दफ़ा 100 में आउट करके उनको फॉलो ऑन करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो भी तो खेलने आए, तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज़ाया हो गया। तो मुझे यही लग रहा है कि वो आगे भी सुना है फोरकास्ट, हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, बट्टी साहब बता रहे थे कि फोरकास्ट थ्रू आउट द, तो क्या ये ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको मैच? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से रेंड ऑफ हो जाएगा और उसमें जो है उसको पॉइंट जो है, हाँ पॉइंट ज़ाया होंगे हमारे, हमारे मिलेंगे नहीं। मगर मैं थोड़ा सा एक दो बातें कर सकता हूँ। मैं एक तो लाहौर कलंदर की अचीवमेंट पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जी ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर जो है पीसीबी का रोल अदा कर रहा है, जो पीसीबी को रोल अदा करना चाहिए वो लाहौर कलंदर अदा कर रहा है, एंड दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। वो अलग बात है कि वो हार जाते हैं, मगर ये कि वो करते हैं बहुत ज़बरदस्त काम है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँ अब्दुल्ला और उमा, कि जब कोई आदमी इस तरह की जो कैंप लगाता है उसमें ये नहीं होता कि 10 बंदे आप बना दें। अगर आप साल में एक भी बनाते हैं ना, किसी एक को भी प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑफ कोर्स आप 10-15 एक साथ नहीं बना सकते कि जी आप टैलेंट हंट कर रहे हैं तो 10 बंदे बना देने, फिर वो क्वालिटी भी नहीं रहती ना। साल में एक बनाएंगे ना, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं सर्टनली। अच्छा, ओवर द वीकेंड आप वो पटेल, एजाज पटेल जिनकी बात होती रही है, हमारी चूंकि वीकेंड पे आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, जिन्होंने 10 आउट किए हैं, वो बहुत ही अनयूजुअल। वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? एजाज पटेल अब्दुल्ला तीसरा बंदा है दुनिया में, जिम लेकर और कुंबले जो उनका इंडिया का था, उन्होंने 10-10 आउट किए थे, फिर इनकी बात, इन्होंने तीसरे बंदे हैं जिन्होंने एक इनिंग में 10 आउट किए। मगर आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम 62 पे आउट हो जाती तो पूरी दुनिया आईसीसी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि हमारी पिचेस कैसे बनती हैं। वो फिर आईसीसी ये कहते कि आप जाएं, हमारा बंदा आएगा, वो आके आपकी पिचेस बनाएगा। इंडिया में कोई नहीं पूछ रहा कि वो 62 पे, क्या न्यूजीलैंड की टीम इतनी ख़राब है कि वो 62 पे आउट हो जाए? नॉट पॉसिबल। तो ये इंडिया के ये रीत रही है कि वो अपनी पिचेस इतनी हल्की बनाते हैं जब कोई भी फॉरेन टीम आती है कि उसको वो इस बुरी तरह ह्यूमिलेट करते हैं। तो इनकी इंक्वायरी बिल्कुल नहीं होती मेरे हिसाब से। तो आईसीसी को पूछना चाहिए किस किस्म की पिचेस बना रहे हैं हम, जिसमें टीम न्यूजीलैंड जैसी वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड जो टेस्ट क्रिकेट में, वो 62 पे आउट हो रही है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती की बात है, और आईसीसी हमेशा वो वन साइडेड रहता है, और शुक्र है कि पाकिस्तान में नहीं हुआ। अच्छा, ये बड़े सवाल, बाय द वे थैंक यू सो मच सिकंदर बख्त फॉर गिविंग अस अ लो डाउन ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन।